कई बार हम अपने पौधों को खाद, पानी, गुड़ाई सब कुछ दे रहे होते हैं प्रॉपर टाइम पर, लेकिन हमारा पौधा पनप नहीं रहा होता है क्योंकि उस पर हो चुका होता है कीटों का अटैक। और इन कीटों से बचने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूजफुल लिक्विड टॉनिक, लिक्विड पेस्टिसाइड, जिससे कि आपका पौधा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरी नीम की पत्तियाँ। तो मैंने यहाँ से ले ली कुछ नीम की पत्तियाँ और मैंने यहाँ से कुछ तेज पत्ता ले लिया। ये सभी कुछ जो है मेरी टेरेस पर ग्रो हो रहा है। तो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी होममेड रेमेडीज़, आपके प्लांट के लिए होममेड फर्टिलाइज़र, आपके प्लांट के लिए होममेड पेस्टिसाइड, जिससे कि आपका प्लांट को कुछ भी नुकसान नहीं होगा और आपका प्लांट एकदम हेल्दी हो जाएगा। कुछ कनेर के पत्ते, तो ये सब जो है बहुत ही मतलब डेंजरस होते हैं। इनके लीव्स को हम खा नहीं सकते, ना ही हम अपने जानवरों को खिला सकते हैं। जैसे अपनी गाय भैंस को भी हमें नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा होता है इनमें जो ये थोड़ा सा जो है जहरीले से पत्ते होते हैं। इन सबको हमें उबाल लेना है और इन अच्छी खासी क्वांटिटी हमने इनके ले ली। जैसे मैंने ये ले लिए 8 से 10 पत्ते, ये ले लिए। एक पतीले में मैंने ले लिया पानी और इसमें मैंने ये सारे पत्ते जो है ये इसमें डाल दिए। तो इनको हमको थोड़ा सा उबालना है और इसमें और कौन से स्पेशल इन्ग्रीडियंट्स हमको डालने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, जिससे ये और पावरफुल पेस्टिसाइड बन जाएगा, जिससे कि हमारे प्लांट पर कभी किसी कीट का अटैक नहीं होगा। तो इसको हमें अच्छे से उबाल लेना है और उबालने के लिए रख देना है। और साथ ही में हमें इसमें डालना है कुछ लौंग, लौंग के मतलब लौंग की कलियां, और थोड़े से हमें इसमें डालने हैं, ये देखिए मैंने उबालने के लिए रख दिया, और थोड़ा सा हमें इसमें डालना है ये सिट्रस के छिलके, चाहे नींबू के छिलके आपके पास हो, चाहे संतरे के हो, चाहे मौसमी के हो, किसी भी चीज़ के हो। तो इस तरीके से इन सबको हमें उबाल लेना है। देखिए फ्रेंड, सबसे ज़्यादा पेस्ट का अटैक होता है गुड़हल पर, और इस बार तो जो है मेरे देखिए पर्सलेन पर भी इसका अटैक हो चुका है, क्योंकि पर्सलेन गुड़हल के पास में ही रखा हुआ है। तो इस पर भी जो है इसके मिलीबग्स का अटैक हो चुका है। ये देखिए मेरा चंपा का प्लांट है और मैं इंतज़ार कर रही थी इसके फ्लावरिंग का, लेकिन इस पर भी देखिए कैसे जो है मिलीबग का अटैक हो चुका है। और इसकी लीव्स को जब मैंने झुक करके देखा तो ये तो पूरी तरीके से जो है मिलीबग के अटैक में आ चुका था, और मिलीबग ने इतनी बुरी तरीके से इस पर अटैक कर रखा है कि ये कहीं से जो है इसकी कलियाँ नहीं बन पा रही है। और देखिए ये मेरे रोज़ेस के प्लांट्स हैं, ये मेरा चाइनीज़ हिबिस्कस है यहाँ पर, और देसी वैरायटी का हिबिस्कस है, सभी जो है बहुत बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं। इन पर किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं है, क्योंकि टाइमली मैंने अपने प्लांट की जो है केयर कर ली थी, टाइमली मैंने इनमें जो है पेस्टिसाइड का छिड़काव कर लिया था। लेकिन ड्वार्फ वैरायटी का मेरा हिबिस्कस इस टाइम मैंने उस पर भी टाइमली जो है पेस्टिसाइड का छिड़काव कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर थोड़ा सा जो है मुझे पेस्ट का अटैक दिख रहा है, मिलीबग्स का अटैक दिख रहा है। लेकिन चंपा पर मुझे नहीं था, क्योंकि चंपा मेरा वैसे बहुत हेल्दी दिख रहा था ऊपर से, लेकिन देखा नीचे से तो उस पर जो है पूरी तरीके से मिलीबग के वो कब्जे में आ चुका है। तो इससे बचाने के लिए, तो इन कीटों से बचने के लिए जो हमने ये पेस्टिसाइड बनाया है, इसको ठंडा होने दें, और उसको ठंडा होने के बाद आप एक ग्लास में ले लें जिस तरीके से मैंने लिया है, और उसको ग्लास में लेने के बाद जो है आपको थोड़ी देर इसको रख देना है। लगभग आप इसे रख दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए ढक करके, और 2-3 घंटे के बाद आप इसको अपनी एक स्प्रे बॉटल में भर दीजिए। रखने का इसका ये फ़ायदा होता है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है जैसे एयर के कॉन्टैक्ट में आता है। और ये देखिए, ये इस तरीके से जो है आपको इन सभी प्लांट्स में इसको देना है, जो भी आपके प्लांट कीट के अटैक में आ चुके हैं, जो भी मिलीबग के अटैक में आ चुके हैं प्लांट, तो इन सब से बचने के लिए जो है इस पेस्टिसाइड का छिड़काव अपने प्लांट पर कीजिए। देखेंगे आपका प्लांट कितना हेल्दी हो चुका है। तो इसको भर लिया मैंने एक स्प्रे बॉटल में, और स्प्रे बॉटल में आप भी इसको भर लीजिए। तो इसको मैंने भर लिया स्प्रे बॉटल में, और आप भी भर लें इसको स्प्रे बॉटल में। और स्प्रे बॉटल में भरने के बाद अपने प्लांट के सभी इफ़ेक्टेड एरियाज़ में जो है इसका छिड़काव करें, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो कलियाँ हो, जो भी इफ़ेक्टेड हो रखी हो उन पर इसका अच्छे से छिड़काव करें। और कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपका प्लांट एकदम स्वस्थ और हेल्दी हो गया है। बस इसको ये है फ्रेंड, आपको डेली डेली कम से कम 4 से 5 दिन आपको इसका स्प्रे करना होगा अपने प्लांट पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे प्लांट पर ये लग चुका है। अगर आपका प्लांट भी कुछ इस तरीके का हो रहा है तो फिर आपको 4 से 5 दिन तक तो इसका छिड़काव अपने प्लांट पर करना ही है। और अगर कम मात्रा में आपके प्लांट इफ़ेक्टेड हो रखा है, कम मात्रा में उस पर सफ़ेद कीड़े लगे हुए हैं, तो आप 2 से 3 दिन में भी छिड़काव करेंगे तो भी वो सब ख़त्म हो जाएंगे।
जो मेरे पास ये लीव्स बच गई थी जिसका मैंने एक्सट्रैक्ट तो स्प्रे बॉटल में भर करके स्प्रे कर लिया, लेकिन अब वो लीफ मेरे पास बच चुकी थी। तो मैंने सोचा कि जो प्लांट भी आपका ज़्यादा अफेक्टेड हो रखा हो, उस प्लांट की सॉइल में जो है आपको इन लीव्स को दबा देना है, प्लांट की गुड़ाई भी हो जाएगी और आपके प्लांट में, अगर आपके प्लांट के सॉइल में कुछ दिक्कत आ रही होगी तो वो भी सब आपके प्लांट के सॉइल दूर हो जाएगी, वो दिक्कत भी आपके प्लांट के दूर हो जाएगी। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से ही लीव्स पर या कलियों पर अटैक हो रहा है सफ़ेद कीड़ों का, तो वो स्प्रे से ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो सॉइल से अफेक्टेड हो रखी है प्लांट, रूट से अफेक्टेड हो रखा है, तो फिर आप इस तरीके से इन लीव्स को जो है इसकी सॉइल में दबा दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जो है एंटी फंगल एंटीबायोटिक होती हैं ये सारी लीव्स। तो इनको अच्छे से इन प्लांटर में रख दें और आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम बाद आपका प्लांट एकदम हेल्दी हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड, होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आगे तक भी ज़रूर शेयर करें फ्रेंड, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूसरों को भी देखने को मिले। और अगर अभी तक आपने बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और सबसे पहले आपको मिलें। तो जब तक के लिए मैं दूसरा वीडियो लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, और मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।